हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज मैंने बनाई है बड़े, और वो भी दही बड़े। तो उसके लिए ले लिए पहले इससे उड़द की दाल, और उड़द की दाल एक कटोरी के करीब लेके उसे भिगो के रख देना है कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर रात को ही भिगो के रख दे। तो इस तरह से पानी डाल के उसे ज़्यादा डाले पानी, और इस तरह से डालने के बाद उसे मैंने भिगो के रख दिया है, और ये कम से कम रात को ही भिगो के रख दे तो बहुत ही फ्लॉपी वाले, मस्त वाले और बहुत ही अच्छे वाले दही बड़े हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से जब दाल तो भिगो के रख दी है, और इस तरह से मैंने रात को ही जमाया ये इस तरह का दही 1/2 kg के करीब। और अब जब भी कभी बनाने हैं दही बड़े, तो इस तरह से दही ले लिया है, उसके अंदर डाला है मैंने 6 से 7 चम्मच के करीब शुगर डाल दिए हैं। और शुगर डालने के बाद इस तरह से इसको फैट लेंगे, ताकि ये दही बहुत ही अच्छा वाला सा, एकदम सॉफ्ट वाला सा तैयार हो जाए, क्योंकि दही बड़ों में इस तरह का ही दही चाहिए। तो जब ये हो गया है, तब मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर डाला है 2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर, और 3 से 4 चम्मच डाली है शुगर, फिर डाला है 1/2 चम्मच सॉल्ट का पाउडर, और काली मिर्च डाली है 1/4 चम्मच के करीब, और फिर डाला है काला नमक, और इसके अंदर फिर डाला है मैंने पानी। और पानी डालने के बाद इसको रख दिया है मिला के अच्छी तरह से लो फ्लेम पे, और इस तरह से जब ये गाढ़ा होने लग गया है तो बहुत ही अच्छा वाला, धीरे धीरे से ये गाढ़ा होगा, और इस तरह से गाढ़ा होने के बाद ये तैयार हो जाएगी हमारी अमचूर की चटनी, जो कि दही बड़ों में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। और फिर अब ली है ये उड़द की दाल, जिसे कम से कम 5 से 6 बार अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, और जब ये इस तरह से धुल जाए तो क्या करना है, फिर इसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, और इस तरह से जार में डालने के बाद बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है, 1/4 गिलास के करीब, या थोड़ा सा 1/2 कप के करीब पानी डाल के इसका बहुत ही सॉफ्ट वाला बैटर बना लेना है। और इस तरह से जब ये बैटर तैयार हो जाए, तो लेनी है कोई बड़ी सी परात या फिर बड़ा बर्तन, जिसके अंदर हमें इसे निकाल लेते हैं, और फिर निकालने के बाद इसको अच्छा सा इसका बैटर बनाना है हाथों से, इस तरह से मसलते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लफी वाले बनाने हैं। तो इस तरह से पहले इसको खूब मसलना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि इस तरह से ये पानी में तैरने लग जाए, तो हमारे बड़ों के लिए तैयार है बैटर। तो इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच पिसी हुई हींग डाल के उसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा, और 1/2 चम्मच उसे भी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिला लेना है, और इस तरह से चम्मच से हमें इसको गोले बनाने हैं, बिल्कुल मस्त वाले, जिससे कि अच्छे अच्छे गोल गोल से बड़े तैयार हो। तो इस तरह से चम्मच से मैंने इस तरह से बना के और वेजिटेबल ऑयल में इनको फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छे वाले, मस्त वाले, गोल गोल से बड़े, सुनहरी कलर के हो जाएंगे, या इस तरह से जब फ्राई हो जाते हैं फ्लफी वाले, तो बस इनको निकाल लेते हैं, और इस तरह से सारे बड़े तैयार कर लेने हैं, बहुत सारे, ढेर सारे बड़े। जब तैयार हो जाए, तो जो हमने दही तैयार किया है मीठा सा, खट्टा मीठा सा, तो उसके अंदर डाल देने हैं, और जब भी हमें सर्व करना है उसके थोड़ी देर पहले ही डालने हैं, ताकि ये फूल जाएंगे अच्छे तरह से और सॉफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर दही में, अब पूरी तरह से दही में हो जाएंगे ये। तो इस तरह से जब सर्व करना है, तो सबसे पहले इन बड़ों को निकाल के प्लेट में या किसी में भी डाल के इसके ऊपर डालेंगे वही अमचूर वाली चटनी जो तैयार करी है, और ले लेना है कोई भी ग्रीन सॉस, या घर में रखी हुई हरी चटनी भी ले सकते हैं। और इस तरह से डालने के बाद इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट या चाट मसाला भी डालना है, और टेस्टी वाला इस तरह से बड़े तैयार हो जाएंगे, मस्त वाले। फिर क्या है, फिर हल्का सा सॉल्ट डालते हुए से तैयार कर लेना है, और फिर इंजॉय करना है कि इतने मस्त वाले, सॉफ्ट वाले बड़े, और खाएं, और एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से ज़रूर बनाएं और खाएं, बहुत ही टेस्टी वाले ये दही बड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।